बंदा उन्होंने सही चूज किया कोरस के लिए। Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं Straight Kids, Maniac, MV, ये है चैनल JYP Entertainment से। ये गाइस हमारे सब्सक्राइबर ने कहा ये चेक करो, ये उनका कमबैक सॉन्ग था, बट मैं बड़ा लेट हो गया, मैं 2 महीने लेट हूँ, तो इट्स ओके बट ये करना था। तब मैंने ट्रेलर देखा था, वो टीजर था, बट भूल ही गए। चलो वो मतलब आपको पता ही है, यू नो स्टडीज नहीं, वो भी नहीं करते, बट स्टिल काफ़ी कुछ हो जाता है स्टडीज रिलेटेड ही, एग्जाम असाइनमेंट प्रैक्टिकल, बस पूछो मत। तो चलो हम अपना नहीं रोएंगे, हम वीडियो देखेंगे। सो आर वेस्टिंग टाइम, लास्ट वाला वीडियो। ओके, दो दुनिया है पैरेलल। ओके आई गेस ये थोड़ा वैसे टाइप का होने वाला है। बंदा तेरा ही मतलब एक तो चलो आवाज भी, मतलब इसका मैं याद कर रहा हूँ, मतलब उसमें भी था, मतलब ऑब्वियसली ग्रुप में है तो उसमें भी था क्या होना, बट मुझे नाम नहीं पता, सॉरी। बट ये तो चेन वाला बेली है, और जैसे बीट जा रही है बैकग्राउंड में। ये काफी रिलेटेबल थी कहीं कहीं। Drill par. That's a punching match. Feeling. Maniac. Maniac. Frankenstein. Chorum par. Maniac. Maniac. बंदा उन्होंने सही चूज किया कोरस के लिए, मतलब डेफिनेटली फीलिंग्स की आवाज को मैं मेनियक मतलब फील हो रहा है, मतलब बाकी का ठीक है मेनियक बोलना, बट फीलिंग्स का हिट जिस है पता नहीं क्यों। बेसिकली अंदर वाले मेनियक को बाहर निकल लो। ये हमारे बंदे का काफी पार्ट है। इतने एग्री मीटरोलॉजी मुझे पता नहीं, हमारे अभी चल रहा है साइक्लोन टोर्नेडो नहीं अभी पड़ा, सून साउंडिंग वाइज में जो बोला उन्होंने पिंग पता नहीं ऐसे साउंड कर रहा है। ये हमारा दो आइज वाला बंदा फिर आ गया, दो ये मैं मेनियक पूरा दिन सुन सकता हूँ, ठीक है फेलिक्स को बोलते हैं। ये बर्ड को डरा रहे थे क्या? फाइट इट्स मेनियक।
ठीक है। सो गाइस दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो। गाने का काफी अच्छा था, गाने का मैसेज काइंड ऑफ मतलब मैसेज था यस, जो उसमें कंटेंट था वो काफी अच्छा था, इफेक्ट्स काफी कूल थे, वो मुझे थोड़ा साइबर पंकिश लगा, डेफिनेटली था मतलब मॉडर्न थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप। ये काफी ये नहीं मुझे समझाया भी उल्टी दुनिया क्यों है, मतलब आई गेस पोर्ट्रे करना चाहिए एक पास नॉर्मल है एक पास मैस्ड अप है आई गेस ऐसा कुछ, बट ये हमारे ने काफी अच्छे फ्लो से आया, मतलब काफी है मैशो माइंड ब्लो, और पीछे जो बीट वो काफी अच्छी साउंड कर रही थी, और सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट आपको भी पता है कौन सा, और देखो मतलब सभी जनों ने यहाँ पे रिवाइंड किया है एग्जैक्टली जहाँ मैंने रिवाइंड किया था ना, ज्यादातर मेजोरिटी ने वहां पे रिप्ले किया, देखो अभी यूट्यूब पे न्यू फीचर आ गया मोस्टली रिप्लेट का, तो फिर फीलिक्स का मेनियक, ओ मैं पूरा दिन सुन सकता हूँ उसका, कंपाइलेशन बना दो ठीक है, मेनियक 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 10 मिनट की काफी कूल है। ये बंदे का भी अच्छा है बट फीलिक्स का सॉरी फीलिक्स फैन बन चल रही है बट स्टिल चैंगमिन था कि नहीं सॉरी चैंगमिन का पार्ट तो नहीं आया क्या आया है सॉरी मतलब अगर आया होएगा तो वो वैसे ही नहीं आया ना जैसे यूजली आता है, ये एक बंदे का नाम शायद हैन था नहीं हैन तो दूसरे वाला हैन ही था ठीक है, मैंने बोला मैंने मुझे लगा कि दूसरा इसके साथ मैंने कंफ्यूज किया, उसका नाम क्या था उसका नाम आई गेस हाँ उसका नाम ह्यूनजिन था जिससे मैंने कंफ्यूज किया, मुझे लगा उसका हैन ने हैन का काफी हैन और फिलिक्स मेरे टू फेवरेट्स रहेंगे इस सॉन्ग में से अभी तक तो, बट बाकी अगर आए मुझे सॉरी मतलब पता सा नहीं लगा सीमलेसली हो गया स्विच, मैं लिरिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा था ठीक है, बट फीलिक्स बल्ले बल्ले मेनियक बेसिकली उसने कोरस को कैरी किया ठीक है, और हमारे हैन ने रैप पार्ट को, तो काफी अच्छा सॉन्ग था डेफिनेटली, प्लेलिस्ट वर्दी डेफिनेटली, काफी टाइम हो गया वैसे हमें शेक इट के सॉन्ग सुने में बट स्टिल मेनियक, मुझसे बोला नहीं जा रहा ठीक है वैसे मैं और खराब करना सॉरी बट, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।